तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। रामा श्यामा का कार्यक्रम सिविल लाइंस बंगला नंबर 16 पर किया गया है, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधि, आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता सभी लोग आज उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात करती हुई और उन्हें पंच पर्वों की, पंच पर्व दीपावली की शुभकामनाएं देती हुई। तो सिविल लाइन्स स्थित बंगला नंबर 16 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री को भेंट देने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये लोग हर वर्ग से आने वाले लोग हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी लोग उप मुख्यमंत्री के घर पहुँचे हैं उन्हें बधाई देने, उन्हें पंच पर्वों की शुभकामनाएँ देने। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उनको शुभकामनाएँ दे रही हैं। तस्वीरें हैं दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के आवास की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, आम जनता, सभी लोग, हर वर्ग का व्यक्ति यहां पर पहुंचा है उप मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस समय अपने निवास पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जैसे अपने निवास पर पहुंची, तो उससे पहले यहाँ कार्यकर्ताओं का जो आने का सिलसिला था वो शुरू था। और अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सभी कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं, रामा श्यामा कर रहे हैं दीपावली को लेकर, और गोवर्धन भैया दिवस की बधाई भी दे रहे हैं। साथ ही अपने क्षेत्र वहां के इलाके की जो समस्या है वो भी यहां पर बता रहे हैं। साथ ही दिया कुमारी को दीपावली के पावन पर्व पर अलग अलग जो कार्यकर्ता है वो गिफ्ट भी दे रहे हैं, कुछ नई चीजें भी दे रहे हैं। तो दिया कुमारी का फोटो वेट कर रहा है, तो किसी तरह से दिया कुमारी का स्वागत भी कर रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। वही समस्याओं को भी दिया कुमारी सुन रही है। और ऐसे में यहाँ पर राजस्थान के सभी जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, चाहे मैं नागौर की बात करूँ, चाहे दौसा की बात करूं, चाहे अलवर की बात करूं, यानी कि कुल मिलाकर सभी जगह से यहाँ पर कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे, दिया कुमारी को बधाई दे रहे हैं। साथ ही समस्या अपने इलाके के वो भी यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं। दिया कुमारी तुरंत जो भी समस्या आ रही है उन्हें नोट भी करते हुए नजर आ रही है। जी ऐसे में अभी और कितनी देर ये कार्यक्रम चलेगा मलखान, यहाँ पर दिया कुमारी का उप मुख्यमंत्री कार्यक्रमों को लेकर कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल अभी जिस तरह से जब दिया कुमार पहुंची तो कार्यकर्ता बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं, एक ही कार्यकर्ता से बधाई ले रही है। लगभग ये अभी एक घंटे तक कार्यक्रम चलेगा, इसके बाद दिया कुमारी सभी जो कार्यकर्ता है उन्हें संबोधित भी करेगी और अभी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में सभी को संबोधित करेगी, सभी को बधाई देगी। बिल्कुल मलखान, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बेहद सहजता के साथ लोगों से मुलाकात करती हुई, उनका अभिवादन स्वीकार करती हुई दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। ऐसे में जब, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, जब भी आप उनसे मिलने पहुंचते हैं तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, क्या उस तरह का प्रोटोकॉल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए बिल्कुल, जब उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक, चाहे मंत्रियों कैबिनेट का, जब उनसे मिलते हैं तो उनका प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन फिलहाल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो पूरा प्रोटोकॉल दिया कुमार जो मुख्यमंत्री उन्होंने हटा रखा है, और जो कार्यकर्ता होते हैं ना कि जैसे आम जन है तो ऐसे कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही है, उनका प्रोटोकॉल दूर है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि किसी तरह का ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, बिल्कुल पूरे सिंपल तरीके से कार्यकर्ताओं से मिल रही है, दिया कुमार उनसे बधाई दे रही है, उनके साथ उनकी बधाई को स्वीकार कर रही है, साथ ही उनकी समस्याओं को भी वो सुनते हुए नजर आ रही है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मलखान इस तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। फिलहाल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस समय अपने निवास पर मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, पंच पर्वों की शुभकामनाएं आदान प्रदान की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं दीपोत्सव की। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी की लाइव तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं दिया कुमारी के निवास स्थान सिविल लाइंस की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर और हर वर्ग का व्यक्ति आज उप मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचा है। तो बेहद खूबसूरत साफे पहनाकर उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन। दीपावली की रामा श्यामा का कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, पार्टी का चिन्ह भी दिया जा रहा है, अलग अलग भेंट उप मुख्यमंत्री को भेंट करते हुए लोग इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बेहद सहजता के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएँ देते हुए।